हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की मेरी वीडियो है नवरात्रि स्पेशल, जिसमें मैंने शेयर किया है सामा चावल की खीर, जिसे हम भागर खीर भी कहते हैं, जिसे आप नवरात्रि के समय खा सकते हैं। एंड दिस रेसिपी इज श्योरली गोना अमेज यू बिकॉज दिस टेस्ट सुपर अमेजिंग एंड बहुत ही कम समय में ये बन जाता है। सो विदाउट फर्दर एनी अडो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले एक पैन में हम लेंगे 1 टेबलस्पून घी को अच्छे से गर्म होने देना है और जब घी गर्म हो जाएगा तब हम इसके फ्लेम को कर देंगे लो। इसके बाद मैंने लिया है सामा चावल। इसके बाद मैंने 100 ग्राम का लिया है सामा चावल। आप जितना बना रहे हो आप उस हिसाब से सामा चावल ले लें। हमें इसे लो फ्लेम में ही अच्छे से इसे रोस्ट कर लेना है। जब ये रोस्ट हो चुका होगा तो सामा चावल की जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा वाइट हो जाएगी। आपको तब तक इसे रोस्ट करना है, 2-3 मिनट लगेगा और 2-3 मिनट बाद इसे अलग रख लें। इसके बाद मैंने लिया है सस्पेन, जिसमें मैंने डाला है 2 कप दूध। दूध को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। मेक श्योर आप जो भी सस्पेन ले वो थोड़ा गहरा हो, क्योंकि हमें इसमें दूध को सुखाना होगा। दूध जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे अपने रोस्टेड सामा चावल को। दूध के बहुत ही अच्छे से गर्म होने के बाद ही आप इसमें अपने सामा चावल को डालें। ये सब हो जाने के बाद हमें इसे अच्छे से मिला लेना है। आप चाहें तो इसे ढक के थोड़ी देर के लिए गर्म होने दे सकते हैं और बीच बीच में आके आपको इसी तरह से चलाते रहना है। यही प्रोसेस रिपीट करना है 5-10 मिनट के लिए। इसे कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप इसके फ्लेम को ना कम और ज़्यादा करते रहें, बीच बीच में आप इसको चलाते रहें। जो हमारे घर में राइस की जो हम खीर खाते हैं नॉर्मल डेज में, ये उससे बहुत अलग है और ये उससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप चाहे तो इसे नॉर्मल डेज में भी बना के खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि नवरात्रि में ही खाना है। इसके बाद मैंने इसमें डाला है 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और मैं अब सभी को अच्छे से मिला लूँगी। थोड़ी देर के लिए हम इसे भी अच्छे से कुक करेंगे। और याद रहे आपको अपने खीर को बीच बीच में चलाते रहना है, वरना आपकी खीर जल सकती है। इसके बाद मैंने इसमें डाला है केसर और दूध। इसे भी हम इसमें डाल लेंगे और सभी को अच्छे से मिला लेना है। देन हम इसमें 2-3 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से कुक होने के लिए देंगे। ये सब हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें किशमिश और कद्दूकस किया हुआ नारियल डाला है और इसमें मैंने काली किशमिश भी डाली है और सभी को अच्छे से मिला लिया है। देन मैंने इसमें डाला है चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें चीनी डाल लें। देन सभी को अच्छे से मिला लेना है। देन अगेन हमें इसे 2-3 मिनट के लिए कुक होने के लिए देना है। सो जैसा कि आप खीर की थिकनेस को आप देख सकते हैं, ये ठंडा होने के बाद उससे भी ज़्यादा थिक हो जाता है। सो यहाँ पे हमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस थोड़ा सा और मैं इसे कुक करूँगी। और कुक करते टाइम ही आपको ऐसा लगेगा ये बहुत ही स्टार्ट में ही बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है, तो आप इसमें थोड़ा सा और दूध डाल लें। देन अगेन आप इसे आराम से कुक होने दें। सो एज़ यू कैन सी मेरी खीर जो है वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसकी थिकनेस हमें इतनी ही रखनी है, तो मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है सर्व के लिए। एंड नाउ वी आर गुड टू गो। बहुत ही जल्दी बन जाता है एंड ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। सो इस नवरात्रि पे ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करें, आपको ज़रूर से पसंद आएगा। और अगर मेरी वीडियो एंड मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। And I wish you happy Navratri guys. So stay tuned for my next video and thank you so much guys for watching.